क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है कोलिजन और जो काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको मिक्स करके बनाया गया है। इसमें बताया गया है पार्टिकल ऑफ मास एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच एबव द ग्राउंड एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ अंडर रूट 2gh। है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर ये h हाइट है तो एक पार्टिकल यहाँ से जीरो वेलोसिटी से गिराया गया और दूसरा पार्टिकल ऊपर की तरफ अंडर रूट 2gh वेलोसिटी से जो है ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक, अब आगे कहा गया इफ दे कोलाइड हेड ऑन कंप्लीटली इनइलास्टिकली द टाइम टेकन फॉर द कंबाइंड मास टू रीच द ग्राउंड इन यूनिट्स ऑफ अंडर रूट एच बाई जी इज। तो पहले तो हम लोगों को ये पता करना होगा कि ये कितनी देर बाद टकराएंगे। ठीक, दोनों चूंकि हवा में है तो दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो जी होगा नीचे की तरफ, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गया। तो अगर ए रिलेटिव जीरो होता है तो इसका मतलब ये है कि वी रिलेटिव कॉन्स्टेंट होगा। वी रिलेटिव कैसे निकालेंगे, दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, इतना प्लस जीरो यानी अंडर रूट टू जी एच होगा। ये वाली वेलोसिटी चूंकि उल्टे चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी को जोड़ना पड़ेगा, एक अंडर रूट टू जी एच एक जीरो है, तो ये वी रिलेटिव है। ठीक, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इन टू टी, एक्सेलरेशन है नहीं तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म जो है जीरो हो गया, है ना। तो इनको रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट चलना है वो है एच टकराने से पहले, है ना, और वी रिलेटिव दिया गया है अंडर रूट टू जी एच। तो ये हो गया टाइम, टाइम को मैं टी नॉट लेता हूँ जब ये टकराएंगे, तो ये टी नॉट टाइम आ गया एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू जी एच, यानी अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई टू जी, है ना। इतने टाइम बाद ये टकराएंगे, अब जब ये टकराएंगे तो उस इंस्टेंट पर इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, पहले पता करते हैं इसकी। ये नीचे जा रहा होगा, ऊपर वाले की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ऊपर वाले की जो वेलोसिटी है वो जस्ट हो जाएगा यू प्लस ए टी होता है, है ना, तो यू तो जीरो है उसका, जी इंटू टी नॉट, नीचे की तरफ इतनी वेलोसिटी आएगी इसकी, तो जी अंडर रूट एच बाई टू जी यानी अंडर रूट जी एच बाई टू, इतनी वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा होगा। ठीक है, ये रूट के अंदर ही टू है। अच्छा, जब ये यहाँ पर पहुँचा होगा तो जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, है ना। तो इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है अंडर रूट टू जी एच माइनस जी टी नॉट, जी टी नॉट का वैल्यू हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया है जी एच बाई टू, ये है। ये ऊपर जा रहा था v2 से और ये नीचे आ रहा था v1 से। ठीक, तो कोलिजन से जस्ट पहले इनका इतना वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद निकालते हैं चूंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो फाइनली ये दोनों इक्वल वेलोसिटीज चलेंगे। तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ हवा में बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मैं ऊपर को पॉजिटिव लूंगा तो आएगा मास इंटू वेलोसिटी वी टू, वी टू है अंडर रूट टू जी एच माइनस अंडर रूट जी एच बाई टू, ये हो गया इसका मोमेंटम माइनस ऊपर वाले का वेलोसिटी नीचे, इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ, मास अंडर रूट जी एच बाई टू, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया दोनों का। फाइनली दोनों स्टिक कर जाएंगे और इनकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, मास हो गया 2m और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कंबाइंड कुछ आएगी v मान लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये दोनों मिल करके ये जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इनकी हो जाएगी जीरो। इसका मतलब यहाँ पर टकराने के बाद ये पार्टिकल जो है रुक जाएंगे, यहाँ पर वेलोसिटी होगी जीरो, तो यहाँ से फ्री फॉल होगा इनका, है ना, फ्री फॉल होगा। अब हमें ये पता करना है कि ये कितने हाइट पर थे जब टकराए थे, तो हाइट पता करना हो तो इसका पता कर सकते हैं, इसका हाइट आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है तो हाफ जी
इंटू टी नॉट का स्क्वायर, ये वो टाइम है जब ये टकराए थे, तो यहाँ पर रखेंगे हाफ जी टी नॉट का वैल्यू जो है यहाँ से रखते हैं एच बाई टू जी, एच बाई टू जी, जी और जी कैंसिल हो गया, ये आ गया एच बाई फोर। तो ये एच बाई फोर नीचे आया था, टोटल हाइट एच है, यानी यहाँ से थ्री एच बाई फोर हाइट पर ये टकराए थे, ठीक। अब यहाँ से इनका फ्री फॉल होगा क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी इनकी जीरो हो गई है, तो 3h बाई 4 नीचे जाने में कितना टाइम लेंगे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल में भी हम लोग यूज करते थे या यहाँ भी यूज कर सकते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनली डिस्टेंस चलना इनको 3h बाई 4 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिधर डिस्प्लेसमेंट होना है उधर ही एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने ले लिया है ना, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो t का वैल्यू आएगा 3h बाई 2g का रूट, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 बाई 2 अंडर रूट h बाई g है ना, तो इसको वन यूनिट माना गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि इस यूनिट के टर्म में t बताना है, तो अगर इसको यूनिट मानेंगे तो रूट थ्री बाई टू यूनिट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या आएगा, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।